नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज भारतीय संविधान के शिल्पी, आधुनिक भारत जनक, सिंबल ऑफ नॉलेज, बौद्धिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुछ सोचा क्या करना है? अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, क्लास से बाहर नहीं रहेंगे, अपना सीट से बैठ के पढ़ेंगे। पेपरों का टाइम आ रहा है, सारे बच्चे मेहनत करें। सर, अभी मैं आपके सामने आपके वाइस प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे। सभी बच्चे शांत हो जाएं। अगर आप शांत हो जाएंगे मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर दूंगा, और अगर आप शांत नहीं होंगे तो छह दस की पहले मैं आपको यहाँ से नहीं आने दूंगा। इसलिए बिल्कुल शांत हो जाएं और दो मिनट के लिए मौन धारण कर लें। बेटा तुम हो जाओ, ध्यान से सुनना। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ज्यादा नहीं कहेंगे। सिर्फ मैं दो ही बातें आपको बताऊंगा। भारत की भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आज के समय में जो भी प्रासंगिकता है वो बात में आपको बताना चाहूंगा। ध्यान सुना, हमारे समाज में उस समय छुआछूत की गैर समान वर्गों को रखा हुआ था, उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने के लिए अपना कार्यभार निकाल दिया और कुछ लोग थे जिनकी वजह से गलत कैसे पर विरोधी थे, और उन्होंने अपने घर की स्त्रियों को भी ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है और शराब पीकर घर में आता है आप उसको घर में नहीं घुसने देंगे, और अगर आप उसको घर में नहीं घुसने देंगे उसको खाना नहीं देंगे वो व्यक्ति दूसरे दिन शराब पी के नहीं आएगा। शराबबंदी के ऊपर और एक उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर, उस समय हमारे समाज में महिलाओं को कम शिक्षा दी जाती थी, सिर्फ शिक्षा का अधिकार पुरुषों को ज्यादा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, वो उस समय की सामाजिक बुराई थी उसको मिटाने के लिए लास्ट मोमेंट तक वो लड़ते रहे, और आज के दिन सभी बच्चे याद रखेंगे आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और उसको जो महापुरुषों की जो मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बालियों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा भाषण सुना है, और एक मिनट में बात सुना, एक मिनट में बात सुन। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो खिड़की के पास खड़े होकर पड़ गए, और आप बेंच पे बैठे हुए हो, क्लास के हो, गुरुजी पर थे, क्या आपको समझ नहीं आई आपने होता? हंसने की बात है। एक ऐसा महान व्यक्ति जो गेट पे खड़ा रहा, सारी उम्र फिर भी पड़ गया और संविधान लिख गया,